श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में एक दोस्त कर्ण जैसा जरूर होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी। जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दूँ, जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल चीर जाते हैं। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। ठहर जाते तुम तो शायद तुम्हें मिल जाते। धन ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। डूबी है मेरी उंगलियां खुद अपने लहू में, कांच के टुकड़ों को उठाने की सजा है। ताकत की ज़रूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, शीत में गिरे तो मोती, और यदि विषधर के मुख पे गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है, आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। ये आपका विश्वास ही है जो निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं वो दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसा कौवा सभी रसों का भोग करता है परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आ जाती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं है। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की जरूरत पूरे लोगों के लिए है, क्योंकि सभ्य लोग तो सिर्फ शर्म से ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर किसी की भी की जा सकती है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला खोलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में दो शब्द कह दूं तो वह चुप जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये सृष्टि बनी है नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ लेकिन जल इतना लचीला होने पर भी सदा जल कठोर चट्टान के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक है और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अड़िग रहती है, इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहें, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका बहुत ही अधिक महत्व है। फल कुचलने का हुनर भी सीखिए,
सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। उदास तो बहुत रहे मगर कभी जाहिर नहीं किया। सब ठीक है, बस इसी शब्द ने सब संभाल लिया। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो, जो किसी को अपना नहीं होने देते। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है, कुछ तकलीफ जरूर है पर घर चल रहा है। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिम्मेदारियां भी खूब परीक्षा लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो दरवाजे के गेट पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। दोस्त बेशक एक हो मगर ऐसा हो जो शब्दों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा, अब बहुत जल्दी से पहचान लेता हूं मीठे बोलों की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है लेकिन मन की शांति नहीं। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी में थे, आज जिंदगी खिलौना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने किसी फल को पेड़ से अलग होते हुए देखा है? बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्रम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। आप फल को ही ले लीजिए, अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये न केवल किसी की भूख शांत करता है अपितु इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सर्जन भी होगा और कई फल उगेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है, यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपनों से दूर होने में इस फल की भांति हम मनुष्य को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना ही पड़ता है, और यही लगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे लगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास ही नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलतफहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें अक्सर रुला देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। काश उस जाते हुए वक्त को रोक सकते, आपके साथ गुजारा हुआ हर समय जोड़ सकते। तीन रास्ते खुश रहने के, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल नहीं दुखाना। समय का सही उपयोग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने पास लक्ष्य हो। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो, दोस्त जरा सी बात पर रूठा नहीं करते। पत्ते वही अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटा नहीं करते। मुझे नफरत पसंद है लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। चिराग से ना पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से ना पूछो बाकी खेल कितना है। पूछो उस कफन में मुर्दे से, जिंदगी में गम और कफन में चैन कितना है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता है। कद्र किरदार की होती है, वरना कदमे तो इंसान की साये से भी बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए
क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो, किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कद्र ना करे, तो ये तो उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। कोशिश में कोई कमी ना रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुखी व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमा ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पथ बढ़ा देता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रखे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलती ही नहीं। कारण स्वयं सोचें, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को शिकार के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोते रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो ये समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रहे कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाइयों पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डरो मत, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कभी हमारे मन में डर पैदा होता है तो हम भयभीत हो जाते हैं और कई सवाल मन में उथल पुथल मचाने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम हार जाएंगे या फिर कहीं ये अंत तो नहीं। हमें अपने आसपास वो सभी चीज़ें दिखाई देने लगती है जो वास्तव में होती ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे मन की कल्पना ही हमारे मन के डर को जन्म देती है, और ये डर हमारे वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर देता है। अक्सर हमने देखा होगा कि संसार में सभी लोगों को किसी न किसी वस्तु का या फिर किसी न किसी व्यक्ति का डर हमेशा ही सताता रहता है, और जो सबसे बड़ा डर मनुष्य के मन में घर कर लेता है वो होता है मृत्यु का डर, जो हर एक व्यक्ति को आजीवन परेशान किए रखता है। आपने देखा होगा कि माता पिता अपनी मृत्यु से पहले अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे उनके बच्चों को अपने भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और जो उनके जीवन को सरल बना सके। लेकिन क्या ये सही मार्ग है? क्या इससे उनकी संतान अपने भविष्य के प्रति इस डर के भाव को ख़त्म कर सकती है? भगवान श्री कृष्ण सदैव कहते हैं कि अपने जीवन काल में बहुत से कर्म करते हैं, लेकिन जो कर्म हम पहले से करते आ रहे हैं, अगर उससे कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमें हमारी हार का या फिर हमें असफल होने का डर सताता है, और हम बिना परिणाम जाने ही अपने मन में ये सोच लेते हैं कि कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, और यही भाव हमारे डर की स्थिति में पहुंचा देता है। और श्री कृष्ण के अनुसार यही डर हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। वास्तव में अज्ञानता का पहला चरण है भय, भय जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य के विवेक को हर लेता है। ज़रा स्वयं ही अनुमान लगाइए कि कोई आपको तैराकी के लिए कह दे, लेकिन आज से पहले आपने कभी भी तैराकी नहीं की है, तो आप अपनी तैराकी सीखने से पहले ही अपने मन में ये डर बैठा लेते हैं कि कहीं आप डूब ना जाए या फिर आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो आजीवन आप तैराकी सीख नहीं पाएंगे और अज्ञानी रह जाएंगे, फिर चाहे आपके पास ब्रह्मांड का सबसे उत्तम गुरु ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस डर को पीछे छोड़कर सफलता के मार्ग पर पढ़ना ज़रूरी है, और यदि हम अपने डर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी आरामदायक स्थिति को त्यागना ही होगा।
जब तक हमारा मन स्वयं को कष्ट देने से डरता रहता है, तब तक हमें कुछ भी नया करने से पहले हार जाने का या फिर कोई अनहोनी हो जाने का भय सताता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम डर को जीतना चाहते हैं तो हमें डर का सामना खुद ही करना होगा और अपने हृदय को कठोर बनाना होगा, तब जाकर हम इस डर की परिस्थिति से बाहर आ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है तो हम परिणाम की चिंता नहीं करते, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, स्वयं समय आने पर फल आपको अपने आप ही मिल जाएगा। और यदि हम फल की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं तो निश्चित ही परिणाम में स्वादिष्ट फल चखने के लिए मिलते हैं। इसी स्थिति का यदि आप कलयुग के अनुसार देखेंगे तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति को कैसे भी हालात हो, वो सदैव जीव आत्मा के साथ रहते हैं और अपना कर्म करते जाओ और भयभीत होने की कोई भी आशंका मत छोड़ो, क्योंकि वो सदैव अपनी संतान के साथ में है। फिर आप कैसी भी मुश्किल परिस्थितियों में क्यों ना हो, चाहे कितने भी दुर्गम हालात हो, चाहे ब्रह्मांड में हो, दुनिया में कोई भी आपका साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर सदैव आपके साथ रहेगा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहाँ दो अंडे भी दिए। उन दोनों अंडे में से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल काटने का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेत की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। वह जब वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बातें बताते हुए कहा, माँ आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है, रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई ना हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत का जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया, ऐसा करता हूँ कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसे ही हुआ, किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत वैसे के वैसे स्थित थे। वो देखकर बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आते हैं, कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने बताया तो वो बोली, बच्चों अब समय आ गया है कि ये खेत छोड़ने का, हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों पिछली दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था, दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेना होगा। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद खुद करता हो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जय श्री कृष्णा।